और अब अगली खबर पत्थलगांव से है। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार हो गया है। सीकल सेल बीमारी ठीक करने का झांसा देकर पूरी वारदात को यानी कि रेप की वारदात को अंजाम दिया था। शादी का झांसा देकर रेप किया था। आरोपी पर पीड़िता का गर्भपात कराने का भी आरोप है। सरकारी मेडिकल मोबाइल यूनिट में आरोपी कार्यरत है। कोतबा थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ के। रमेश, कैसे इस पूरी वारदात को आरोपी ने अंजाम दिया? फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ में क्या खुलासे? जी, आपको बताऊं कि सरकारी जो मोबाइल यूनिट योजना है उसमें कार्यरत है ये डॉक्टर, और इस डॉक्टर ने एक स्कूली छात्रा ने जब इससे संपर्क हुआ, उसने अपने सिकल सेल की बीमारी के इलाज के बारे में इससे जानकारी मांगी, तो उसने उसको झांसा देखकर और इसका इलाज करने के बहाने इसको लगातार अपने पास बुलाते रहा, और इसी दौरान उसके संपर्क हो गए, और तमाम संपर्क के बाद में ये जो स्कूली छात्रा थी गर्भवती हो गई थी, और उसके बाद में जब ये इसका डॉक्टर को इस बात की जानकारी मिली तो डॉक्टर ने उसका गर्भपात भी कराया और उसको ये झांसा देते रहा कि उसके वो शादी कर लेगा। अंततः जब ये इसमें डॉक्टर सारी चीजों से मुकर गया तो इसमें पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह से इस पीड़ित छात्रा ने मुलाकात की थी। एसपी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया, क्योंकि ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डॉक्टर के पैसे से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा था, और इस वजह से पुलिस ने इसके विरुद्ध में कोतवाल थाने में मामला दर्ज करके इसकी घेराबंदी की और इस आरोपी डॉक्टर को आज गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी कर ली गई है। चले, तो आरोपी पुलिस से गिरफ्त में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सिकल सेल बीमारी ठीक करने का झांसा देकर इस पूरी वारदात को आरोपी ने अंजाम दिया था। शादी का झांसा देकर वो लगातार रेप करता रहा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि महिला ने शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल के बाद आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।